हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब परिवार का किसी भी सदस्य का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। तो जैसा कि आज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बीसी सखी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में आपके पास कॉल आएगी और आपसे OTP नंबर मांगेंगे और आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देंगे। तो बीसी सखी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में कितनी बड़ी फर्जीवाड़ा हुई है, लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ ये घटना घटी है। उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट की और बातों को क्लियर किया और अपनी पूरी एविडेंस और जो बातें हुई हैं उन बातों को भेजी है। तो पूरी लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का बनाने का मतलब मेरा यही है कि किसी भी बहन का, किसी भी परिवार का, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से उनका दुख या फिर उनका नुकसान ना हो। मेरा इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। सो गाइज, उम्मीद करूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आइंदा आपसे कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका अकाउंट्स खाली नहीं होगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको देखना है, वीडियो पूरा एंड तक सुनना है कि क्या बातें हुई हैं, किस प्रकार से कॉल आती है और किस प्रकार से फर्जी कॉल आपको चढ़ा बढ़ाकर बताते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में आपके सभी एविडेंस लेते हैं और साथ में आपसे कहते हैं कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, एक OTP जा रहा है, उस OTP को बताइए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होगा। और जैसे ही आप OTP बताते हैं आपका पूरा बैंक खाली हो जाता है। सो गाइस, वीडियो को पूरा वॉच करें और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जितनी भी बातें हैं पूरी सुन लीजिएगा भाई, आपकी 10 मिनट 5 मिनट टाइम खर्च करने से आप किसी भी खतरे से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ मैम, बोलिए आप। धन्यवाद मैम, आप जो बीसी सखी प्रोजेक्ट में जो अपने नाम लिखाए थे मैम, उसका बारे में जानकारी देने के लिए आप कॉल किया गया है। हाँ मैम, बोलिए। तो गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सहज के साथ टाइप किया है काम करने के लिए। तो मैम, तो मैं सहज से आप बोल रही थी जी। तो गवर्नमेंट ने आपका जो डिटेल शेयर किया है मुझे, तो मैं थोड़ा बता रही हूँ, देख लीजिए मैम। मैम, आपका नाम है अंतिमा चौरसिया, आपका उम्र है 25 साल, एप्लीकेशन नंबर है UPBC 027345, आपका डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर, आपका गार्जियंस नेम है ओम प्रकाश, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है 7021316687। ठीक है मैम, तो ये जो सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर फिर से एक बार रिजन बोल दीजिए। 7021316687 यही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना? हाँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो काम आपको दिया जा रहा है ना, जो बीसी सखी, तो उस पे काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड है क्या मैम? हाँ मैम। आप इस पे काम करना चाहते हो? हाँ। ओके, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैम। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है? लैपटॉप तो मैम नहीं है, मोबाइल ही चलाते हैं, बड़ी वाली। ओके, डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं मैम। तो एंड्रॉइड फोन है ना मैम आपका पास? हाँ मैम। ओके, तो मैं एक मेल आईडी बता दूंगी, तो उस पे आपको मेल करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे सबमिट कर देने से यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे मैम। मैम, जैसे डॉक्यूमेंट में मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड और मार्कशीट वगैरह क्या क्या चाहिए मैं बता दे रही हूँ। आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जो आपका बैंक वो खाता है उसका फर्स्ट पेज, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़ाई किए उसका कॉपी, ठीक है ना, उसका रिजल्ट, नहीं तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आप दीजिएगा, और आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है ना। तो मैं एक मेल आई डी दे दूंगी अभी, तो उस पर आपको मेल करके सेंड करना होगा, ठीक है ना, फोटो खींच के उस पर सेंड करना पड़ेगा। वो मेल आई डी लिख लीजिए मैम। अच्छा,
बस रुके मैम। बोलिए मैम। बैंकिंग BAN बैंकिंग BANKING लिख लिया मैम। BAN B फॉर बम्बई, A फॉर अमेरिका, N फॉर नागपुर, K फॉर कनाडा, I फॉर इंडिया, N फॉर नागपुर, D फॉर गोवा। ठीक है मैम। मैम ये आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए पूरा कंफर्म नहीं आ रहा है। बता रही हूँ मैम, ठीक से सुनिए। बैंकिंग BANKING बैंकिंग, बी फॉर बम्बई, ए फॉर अमेरिका, एन फॉर नागपुर, के फॉर कनाडा, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नागपुर, जी फॉर गोवा। ठीक है ठीक है। बैंकिंग एट द रेट दिया ना मैम। हाँ इसके आगे बैंकिंग, बी फॉर इंडिया गोवा, इसके बाद बैंकिंग एट द रेट सहज SAHJ सहज डॉट को सी ओ को डॉट डॉट इन IN फिर से मैं बता रही हूँ, देख लीजिए। बैंकिंग BANKING बैंकिंग एट द रेट सहज SAHJ सहज डॉट को सी ओ को डॉट इन IN। ठीक है, इस मेल आईडी पे आप लिख लीजिए क्या क्या आपको भेजना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो, आपका बैंक डिटेल्स। बैंक मैम जो पर्सनल खाता खुला है बड़ौदा में। हाँ जी हाँ जी। जो फर्स्ट बुक है उसका फोटो, लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़ाई की है। अच्छा जो लास्ट वाला वही बस भेजना है। हाँ जी, उसका सर्टिफिकेट नहीं तो रिजल्ट। अच्छा जी, मतलब लास्ट वाला जो ग्रेजुएशन है उसका साथ ही, मतलब हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, वही वही। सर्टिफिकेट नहीं तो रिजल्ट, दोनों में से एक। हाँ वही सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट साइज का फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो। ठीक मैम, कब तक भेजना है? मेल कर दीजिएगा फोटो, जितना जल्दी भेजिएगा मैम उतना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैम। चलिए ठीक है मैम, लेकिन मैम मेरी जो एम आई डी बताएं, जैसे मैम जो आप जिससे सबके आप फोन किए हैं जो एम आई डी सबको बताएंगे वही एम आई डी मेरे पास भी है ना, वही वाला। हाँ जी हाँ जी। तो आप सब किसी से ले लेंगे, क्योंकि क्लियर पता नहीं, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो। ओके ओके, तो मैं बोल दे रही मैम, लिख लीजिए आपका जो आई डी है, एप्लीकेशन नंबर बीसी सखी को लिख लीजिए, उसको उसके मेल पे आपको भेज देना है। ठीक है ना, ये जो एप्लीकेशन नंबर है ना, मेल आईडी पे आपको भेजना है। ठीक है, लिख दीजिएगा उसकी माय एप्लीकेशन नंबर, ये लिख दीजिएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपको भेजना पड़ेगा, तो दोनों ही लिख लीजिए। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है और जो एप्लीकेशन नंबर है मैम लिख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। एप्लीकेशन नंबर लिख लीजिए पहले। हाँ बोलिए। यूपी यूपी बी सी 027 027 345। हाँ रजिस्ट्रेशन संख्या हो गया। इसके बाद और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है 7021 213। आपके पास है ना ये नंबर?
मैम नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड चलाते, लेकिन इस टाइम घर नहीं है। जो मेरे इस नंबर पे कॉल की, यही पर्सनल नंबर मेरा है। हाँ, लेकिन आपको जो रजिस्टर्ड नंबर है ना, तो वो ये आपका हस्बैंड का ही नंबर दिया हुआ है। कुछ भी आएगा तो उस पे ही मैसेज आएगा, तो उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा कि कुछ मैसेज आया कि कुछ ओटीपी आया। ठीक है ना मैम, मैं बता दे रही हूँ, लिख लीजिए 7021। हाँ हाँ बोलिए, 66 ना, 70 70 2131। हाँ 6687। हाँ सही है, ठीक है। जो मेल आईडी पे जो डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा मैम, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज का फोटो, और ये दो भी लिख दीजिएगा, माय एप्लीकेशन नंबर और माय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये दोनों दे के मेल कीजिएगा। ठीक है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा मैम, यहाँ तक तो सहायता मिलेगा। मैम जिस नंबर से, मैम जिस नंबर से आप कॉल की है, ये नंबर व्हाट्सएप है क्या? अच्छा तो ठीक है, हम आपके ईमेल आईडी पे भेज देंगे। हाँ जी, मेल आईडी पे ही भेजना पड़ेगा। एक नंबर दे दूँ, टोल फ्री नंबर आप लिख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस पे कॉल करके जानकारी कर सकते हैं मैम। बोलिए। 0333 66 66 18 18 911 9 1 3 3। मैम बोल रहे हैं एक बार, 0 66 0 33 0 33 66 हाँ 1 8 9 1 1 3। मैं बता रही हूँ, देख लीजिए 0 33 66 18 9 1 1 3। 9 1 9 1 1 मतलब वो 1 1 के बाद फिर 6 है कि 3 है? 3 3 3 3 सही है मैम, सही है, धन्यवाद। 0 3 3 6 6 हाँ भी सही है, लेकिन सही है 9 1 1 3। हाँ मैं बता दें, ठीक है ना? ठीक है मैम, आप कब तक ये भेज पाएंगे मैम? कोशिश कर रहे हैं मैम, थोड़ा जल्दी करेंगे। आज तक भेज पाएंगे क्या? मैम हम सोच रहे हैं कि मोबाइल से आपके यहाँ, तो अभी मतलब डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर करके अभी बता रहे हैं आपको। ईमेल आईडी तो चला ही रहे हैं, लेकिन आपका भी ये तो अभी हम भेज रहे हैं, देख रहे हैं, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जनसेवा केंद्र से भेजना पड़ेगा। नहीं 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 अगर मैम मैं बता रही हूँ, जो मेल आईडी मैंने बताया ठीक से लिखे ना मैम, स्मॉल में होगा बैंकिंग, स्मॉल पे, ठीक है, छोटा हाथ का जो होता है उसमें होगा बैंकिंग, BAN। जैसा आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना मैम, अब तो मेरा बात। हाँ रिकॉर्डिंग की है मैम। हाँ BANKING बैंकिंग एट द रेट सहज SAHAJ सहज .co.in। सहज माने क्या होता है? सहज एक कंपनी है, ठीक है ना, उसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा और यूपी सरकार जो है, आपका जो सरकार है यूपी का, वो टाइप किया है, ठीक है, ये काम करने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद सहेज से आपका एक आईडी मिलेगा, आईडी पासवर्ड, उसका बाद ये सहेज से आपको ये काम करना पड़ेगा मैम, समझे ना? ठीक। तो कब तक आप भेज पाएंगे मैम बताइए, आज क्या भेज पाएंगे? अगर नहीं हुआ उस मेल आईडी पे सेंड या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जो मैं आपको कॉल करने के लिए नंबर दिए मैम, तो उससे कॉल करके जानकारी आप कर सकते हैं कि मैम देखिए इस मेल आईडी पे सेंड नहीं हो रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ठीक से बताइए, या दूसरे मेल आईडी बताइए, आप कुछ भी बोल सकते हैं मैम, ठीक है ना? मैम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको भेज दे रहे हैं अभी, मतलब 6 बजे तक भेज दे रहे हैं, कोशिश करके पूरी। ओके ओके मैम, तो कोशिश कीजिए मैम, अगर नहीं हुआ तो मैम मैं 6 बजे के बाद एक बार कॉल बैक कर ले रही हूँ, ठीक है, अगर हुआ तो अच्छा, नहीं तो कल तक कर देंगे, ठीक है, मैं 6 बजे तक कॉल बैक करती हूँ एक बार, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन भेज दीजिएगा, उतना जल्दी हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देंगे मैम, अगर आप जितना लेट कीजिएगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी लेट होगा मैम। ठीक है मैम, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक,
ओके ओके, सो गाइस धन्यवाद मैम वेलकम फिर। बैक। आपने बातों को सुन लिया होगा, जो बातें हुई हैं आपने देखा कि उनका नाम अंतिमा चौरसिया है, जो कि अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और इनसे हमारी बातें भी हुई और हमने इन्हें क्लियर भी किया। तो आपने देखा किस प्रकार से कॉल्स पर बातें हो रही हैं। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके पास कॉल करता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो वो आपसे ये नहीं कहता कि आपके फ़ोन पर एक मैसेज जाएगा, आपको OTP बताना है, बल्कि आपको ये कहता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप इस कार्यालय पर, इस स्थान पर लेकर आइए, वेरीफाई कराइए। बल्कि आपसे वो ये नहीं कहता कि आप कब करवा रहे हैं, कब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कब आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज रहे हैं। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी, आपको एक OTP जाएगा, उसको आपको बताना होगा। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं कहता और ना ही कोई बैंक कहता है। जब भी बैंक आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेता है या फिर वो वेरिफिकेशन करना चाहता है, तो आपको आपके ब्रांच में बुलाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रत्यक्ष कॉपी लेकर आइए और संस्था में या फिर बैंक में सबमिट करिए। वो आपसे ये नहीं कहता कि आपके फ़ोन पर एक OTP गया है, उसे बता दीजिए। तो सावधान हो जाएं। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे YouTube परिवार हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। तो भाई अगर ऐसी अगर आप लोगों के पास कॉल्स आती है और वो आपसे कहता है कि मैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, आपका BC सखी में सेलेक्शन करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप अपने ब्लॉक से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास विथ प्रूफ रहे। तो ये आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा है जो नंबर है कॉन्टेक्ट 011 करके, इसको सभी लोग लगाएं, ट्रायल करें, चेक करें ये कौन फ़ोन उठाता है। मैंने इसको सर्च किया, देखा तो ये नंबर कोलकाता वेस्ट बंगाल का बता रहा है। अब ये हमको बताइए, अगर आपका चयन UP में होगा तो आपके पास UP के कर्मचारी से मतलब आपको सेलेक्ट करेंगे, आपके पास कॉल करेंगे। ये थोड़ो ना है कि आपका आप यूपी के हैं तो आपको महाराष्ट्र से कॉल आएगा, ऐसा कदापि नहीं होता। और अगर आपको यूपी से कॉल आता भी है तो लखनऊ से आएगा और वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप OTP बताइए, बल्कि वो आपको ये कहेगा कि आपकी ट्रेनिंग लखनऊ के इस ब्रांच में चल रही है, आपका जो है अकबरपुर के हैं तो अंबेडकर नगर में चल रही है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचें। तो ये सब बताएगा। इस तरह जिस तरह से ये एकदम ज़िद कर रही हैं, आपने कॉल्स को सुना, इसमें लिखा है कि आप शाम तक सबमिट कर रही हैं, आप इस ईमेल आईडी पर कब भेज रही हैं, तो इस प्रकार कोई भी सरकारी कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा। ये बिल्कुल फर्जी वीडियो है, बिल्कुल फर्जी कॉल है, तो सावधान हो जाएं। और बल्कि इस वॉइस को फिर से सुने जो हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अंतिमा चौरसिया जी का, जो कि अंबेडकर नगर हैं, अंबेडकर नगर के हैं। तो इनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले हमसे संपर्क किया और हमसे अपनी बातों को साफ साफ जाहिर किया। तो अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम के शिकार होने वाले हैं तो एक बार राय ज़रूर लें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8261 9444826 पर। कितना? 8261 9444826 पर, ताकि किसी भी परिवार का नुकसान ना हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।